देवरिया के विकास भवन में सूर्य प्रताप सिंह कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से जानकारी देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के तरीके से अराजकता पैदा करना चाहती है और उसको अराजकता पैदा करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। जो लोग यहां पर रह गए थे आजादी के बाद उनके सामने किसी प्रकार का संकट नहीं है, वो हमारे देश के नागरिक हैं और उनको उतने ही का दर्जा प्राप्त है जितना हिंदू बौद्ध सिख को है, उतना उनको दर्जा प्राप्त है। और सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने भी और आश्वस्त किया है कि इस तरीके का कोई भी उनके मन में संदेह और संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ उपद्रवी लोग, जो लोग देश के विभाजन के समय भी उस समय उनकी वजहों से देश का विभाजन हुआ, आज उसको भड़का करके फिर से देश को उन लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये कौन है उपद्रवी लोग? उपद्रवी लोग में अब आपको मालूम है हैदराबाद के लोगों ने क्या किया था, ये मालूम है कि महमूदाबाद के लोगों ने